नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज फ्रीजिंग एंड थॉइंग। ओके, तो दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ने के वक्त हम लोग कई बार इस टर्म को सुने होंगे। तो दोस्तों फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है? दोस्तों जब एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर इसकी जब नीचे चला जाएगा, तब दोस्तों देखिए कंक्रीट की पोर में जो वाटर प्रेजेंट है ये आपका आइस बन जाएगा। ओके, और दोस्तों हम लोग जानते हैं जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो दोस्तों इसका जो वॉल्यूम होता है अप्रोक्सीमेटली 9% इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो दोस्तों मान लेते हैं एक वाटर पार्टिकल, तो दोस्तों जब ये आइस बनेगा तो दोस्तों इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से ये कॉन्क्रीट की सरफेस के ऊपर प्रेशर दे रहा है। ओके, अब दोस्तों इस तरीके से बहुत सारा वाटर पार्टिकल आइस बन जाएगा और प्रेशर जनरेट करेगा। ओके, तो दोस्तों इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट के वजह से जो कंक्रीट सरफेस है इसमें क्या होगा, सरफेस स्केलिंग एंड डिसरप्शन ऑफ कंक्रीट। ओके, तो दोस्तों इसके वजह से कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है ये आपका घट जाता है। तो दोस्तों ये है आपका फ्रीजिंग। अब दोस्तों थॉइंग क्या है? जब दोस्तों एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर इस फ्रीजिंग टेम्परेचर की ऊपर चला जाएगा तब दोस्तों जो आइस है ये फिर से वाटर बन जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये है आपका थॉइंग। तो दोस्तों ये एक साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहता है। पहले तो जो वाटर है वो आपका फ्रीजिंग की वजह से आइस बनेगा और फिर से थॉइंग के वजह से आपका वाटर बनता है। तो दोस्तों ये साइकिल आपका चलता रहता है। तो दोस्तों जो कंक्रीट जितना ज़्यादा इस साइकिल को झेल पाएगा तो उसका ड्यूरेबिलिटी भी उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों इस फ्रीजिंग एंड थॉइंग को रोकने के लिए हम लोग सेवरल स्टेप्स लेते हैं। तो उनमें से पहला है देखिए एयर एंट्रेंट कॉन्क्रीट। ओके, तो दोस्तों कंक्रीट बनाने के वक्त हम लोग एयर एंट्रेंट एंड मिक्सर इसके साथ मिला देते हैं। तो दोस्तों देखिए जो नॉर्मल कंक्रीट होता है तो इनमें एयर वॉइड प्रेजेंट रहता है। ओके, तो दोस्तों इनमें जो एयर वॉइड्स प्रेजेंट होता है ये आपका बिगर साइज की होता है और दोस्तों ये आपका नॉन यूनिफॉर्म होता है और इसका साइज भी इरेगुलर होता है। अब दोस्तों जो एयर एंट्रेंट कॉन्क्रीट होता है तो इसमें जो एयर वॉइड्स प्रेजेंट होता है इसका साइज छोटा होता है, ये आपका यूनिफॉर्म होता है एंड रेगुलर साइज की होता है। ओके, तो दोस्तों ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट को बहुत रिड्यूस कर देता है। ओके, तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जो एयर वॉइड्स होता है ये एक चेंबर की तरह काम करता है। ओके, जहाँ पर आपका वाटर एंटर कर सकता है, एक्सपेंड हो सकता है या प्रेशर आपका रिलीज हो सकता है। ओके, तो ये है एक वॉइड, मान लेते हैं ये है एक वाटर पार्टिकल। अब दोस्तों जैसे जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा आइस बनने की वजह से तो प्रेशर एग्जर्ट होगा। अब दोस्तों ये प्रेशर इस वॉइड पे आके रिलीज हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों देखिए ये है और एक वाटर की पार्टिकल। तो दोस्तों ये जब आइस बनेगा इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और ये भी आपका प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कॉन्क्रीट के ऊपर, बट इसका जो प्रेशर है ये देखिए रिलीज नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसके वजह से जो सरफेस है उस पर आपका क्रैक्स जनरेट होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है देखिए वाटर सीमेंट रेशियो। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उस कंक्रीट की फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट की चांसेस भी उतना ज़्यादा है। ओके, तो दोस्तों वाटर सीमेंट रेशियो जितना कम हो सकता है तो उतना कम हम लोग रखेंगे। तीसरा चीज़ है दोस्तों देखिए केमिकल। तो दोस्तों हम लोग कुछ इस तरीके की केमिकल कंक्रीट बनाने के वक्त यूज करेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा, तो इसके वजह से जो वाटर है इजीली आइस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ओके, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है देखिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ओके, तो दोस्तों फ्रीजिंग एंड थॉइंग इफेक्ट को कम करने के लिए मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इसको रिड्यूस करना है। ओके,